मंच मेरा विषय है मां मरियम प्रेरणा स्रोत। मां मरियम शब्द ही अपने आप में इतनी ऊर्जा से समृद्ध है जिसका उच्चारण ही संपूर्ण परिवेश को अलंकृत कर देता है। मां मरियम मानव की नहीं अपितु मानवता की जन्मदात्री है, क्योंकि मानवता के आधार रूप में प्रतिष्ठित संपूर्ण गुणों की वह जननी है। बाइबल में बहुत सारे महिलाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उन सभी में मां मरियम का नाम और स्थान सबसे ऊंचा है। जिस प्रकार एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ऊंचे स्वर में बोलती है संत लुकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 42 में, आप नारियों में धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। सचमुच मां वह है जो दया, करुणा, ममता, नम्रता और संघर्ष उनके व्यक्तित्व में समाये हुए होते हैं। मां मरियम न केवल यीशु की मां है, बल्कि वह हम सबकी पूरी दुनिया की मां है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, वह हम सबके लिए एक आदर्श सर्वगुण संपन्न प्रेरणा स्रोत महिला है, जिनका अनुकरण करना हम सबके लिए यीशु की प्राप्ति है। इसीलिए आज मातृत्व शक्ति सम्मानीय है। वो माँ मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। मां मरियम कार्यों के प्रति समर्पित थी, अतः ईश्वर द्वारा भेजे गए संदेशों को सुनती है और ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपनी सहमति देती है। संत लुकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। यही कारण है आज मां मरियम अपने आत्मविश्वास से धरती, जल और आसमान की ऊंचाई को नाप रही है। ईश्वर के पुत्र को इस संसार में भेजने के लिए निष्कलंकता की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए ईश्वर ने संत मती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में मां को निष्कलंक गर्भधारण का वरदान दिया। मां ने उसे अंतिम समय तक बनाए रखा। प्रभु यीशु की मृत्यु एवं पुनरुत्थान के बाद जब सब असमंजस की स्थिति में थे, प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 13 से 14 में शिष्यों के साथ प्रार्थना में जीवन व्यतीत कर रही थी। दोस्तों, सुख में तो दुनिया साथ खड़ी होती है, परंतु दुख में साथ खड़ी होने वाली केवल माँ है, और साथ होता है मातृत्व और ममता का भाव। मां मरियम के पूरे व्यक्तित्व पर जब हम नजर डालते हैं तो हम पाते हैं उनकी मूल प्रवृत्ति आध्यात्मिक है, तभी तो वह निस्वार्थ होकर सेवा करती है। अंत में मैं कहना चाहूंगी, माँ आपके पद चिन्हों पर चलते हुए हम ईश्वर के वचन को सदा हमारे हृदय में संजोए रखें। ईश्वर से कभी अलग ना होवे, हमारा मार्गदर्शन कर, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त की महिमा की ओर हम सभी को अग्रसर कर, सदैव हम सभी आंतरिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कर सके, हमारे परिवार को पवित्र कर, उनकी रक्षा कर, जिससे हर परिवार नाजरेत के परिवार के समान आदर्श एवं पवित्र परिवार बन सके। आमीन। धन्यवाद।